केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर वन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ये वहीं से आगे कंटिन्यूड है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स, ग्रुप्स और मुख्तलिफ फैमिलीज़ को देखा था। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ब्लॉक्स और मेटल्स, नॉन मेटल बेस्ड जो डिवीजन है हम उसको देखेंगे। पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं? पीरियोडिक टेबल है आपके पास ये। इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप 1A है, जिसको मैंने आपको बताया था, इनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। और देन ग्रुप 2A जो अल्कलीन अर्थ मेटल्स थे। इसी तरह ग्रुप 3A अप टिल 4A, आपके पास ये जितने भी आते हैं इन सबको आप कहते हो ये और ग्रुप 1A 2A मिलके नॉर्मल एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कंपोज करते हैं। आपका जो ग्रुप 1A और 2A है ना, इसके लिए एक और ब्लॉक नेम भी होता है जिसको हम कहते हैं, ये आपके पास S ब्लॉक होता है, S ब्लॉक। और जो आपके पास ग्रुप 3A से लेके 8A तक होते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये P ब्लॉक होता है। इसकी रीज़न S और P ब्लॉक कहने की ये होती है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, दे रिजाइड इन स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपको अपना अगर आप प्रीवियसली रिकॉल करो, आपने जो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, एक आपके पास एक ऑर्बिट होता है जिसकी एग्जांपल क्या है, के एल एम एन, एंड देन आपके पास होते हैं ऑर्बिटल्स जिनकी एग्जांपल आपके पास एस पी डी एफ है, एंड देन आपके पास होते हैं सब ऑर्बिटल्स। सब ऑर्बिटल्स आपके पास कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल मैं पी की बात कर रहा हूँ तो पी के सब ऑर्बिटल्स होंगे पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जितने भी, आपके पास के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। एल में कितने आते हैं? 8। एम में 18 और एन में 32। ये बेसिकली 2n² इससे आप कैलकुलेट किए जा सकते हैं, एन जहाँ पे क्वांटम नंबर होता है, के का क्वांटम नंबर 1, एल का 2, एम का 3 एंड एन का 4। इसके बाद आपके पास है एस पी डी एफ जिनके अंदर 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, इन तीनों के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बेसिकली आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो इनमें से किसी मखसूस सब ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं या ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं। वो जिस ऑर्बिटल के अंदर रिजाइड करते हैं हम वो कहते हैं कि अगर तो वो एस के अंदर रिजाइड कर रहे हैं तो फिर वो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और अगर वो पी में बिलोंग करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वो पी ब्लॉक में वो एलिमेंट पाया जाएगा। इसी तरह आपके पास ये जो दरमियान का पार्ट है इसको हम कहते हैं ये डी ब्लॉक है, एंड ये जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे आपको एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स नजर आ रहे हैं ये आपके पास एफ ब्लॉक है। तो एस पी डी और एफ ब्लॉक सिंपली ये वैलेंस शेल की जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसके हम एग्जांपल्स कर लेते हैं एक दो। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आप किसी भी एलिमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूँ, एल्यूमिनियम। ठीक, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, एल्यूमिनियम कहाँ पे है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 15। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 15, सॉरी एल्यूमिनियम का 15 नहीं होता, 15 तो फॉस्फोरस का होता, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है ये होता है 13। सो हम एल्यूमिनियम की लेट से बात करते हैं। एल्यूमिनियम का एटम देखने में कैसा होगा? एल्यूमिनियम के एटम में दरमियान में एक न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे और प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स तो उतने ही होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है 13, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स एल्यूमिनियम के अंदर होते हैं 14। ये बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर द मीन वाइल आप इसको इग्नोर कर दो। एल्यूमिनियम के फर्स्ट शेल में आपके पास आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में आपके पास आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप कह सकते हो कि ये जो
फर्स्ट में टू इलेक्ट्रॉन्स आए थे, ये 1s के पहला इलेक्ट्रॉन है और ये 1s का दूसरा इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली ये जो नेक्स्ट दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2s के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड देन ये 2px के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2py के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2pz के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके बाद आपके पास आ जाएगा थर्ड शेल। थर्ड शेल के अंदर टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2 एंड 2 एंड 8, 10। आपके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1, 2 एंड 3। तो आपका जो ये वाले तीन आ रहे हैं, इनमें से ये तो 3 के s वाले ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे, 3s2, एंड देन ये 3p के अंदर चला जाएगा, 3px के अंदर लेट से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब आपको यहाँ से आइडिया हो रहा है कि जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपका वैलेंस बैंड है ना, ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कौन से ऑर्बिटल के अंदर है, पी ऑर्बिटल के अंदर है। इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एल्यूमिनियम की पोजीशन पी ब्लॉक के अंदर होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर एल्यूमिनियम आपका कहाँ पे है, ये अब देखो ये पी ब्लॉक के अंदर है। रीजन ये आपको ऊपर में डिटेल में बता चुका हूँ, जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सबसे जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, वो 3px के अंदर है, ठीक है, तो इसका पी ब्लॉक से ही बिलोंग करता है। सिमिलरली आप किसी भी एलिमेंट को यूं चेक कर सकते हो। इसके बाद ब्लॉक्स के बारे में बस इतना काफी है। इसके बाद होती है मेटल नॉन मेटल बेस्ड डिवीजन। इस डिवीजन पे डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेटल्स कहते किन्हें हैं। मेटल्स वैसे तो आपको ऑब्वियस होगा मेटल्स किन्हें कहते हैं, बट मेटल्स जो होते हैं ये हम डिफाइन करते हैं कि इनकी तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होते हैं, रादर गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सेकेंड इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इजीली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि इनकी शाइनी सरफेस होती है, शाइनिंग, या इसको हम केमिकल वाइज हम इसको कहते हैं लस्ट्रस। इनका एक लस्ट्रस होता है, मेटेलिक लस्टर, ठीक है, लस्ट्रस या शाइन इनके अंदर एक होती है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज जब कोई सेटिस्फाई कर रहा होता है वो बेसिकली एक मेटल होता है। नाउ आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके अंदर सॉलिड क्यों मेंशन नहीं किया। मेटल्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो सॉलिड्स हों। फॉर एग्जाम्पल मरकरी, मरकरी का लैटिन नेम क्या है, हाइड्रा जायरम, ठीक है। मरकरी जो है वो एक मेटल है, एच जी इसका फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला। मरकरी एक मेटल है बट ये एक लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब आप बाकी चेक कर सकते हो कि मरकरी एक कंडक्टर है या नहीं है। ऑफ कोर्स मरकरी एक कंडक्टर है, मरकरी की कंडक्टेंस का आपको यूं अंदाजा हो सकता है कि आपके पास ना कुछ मरकरी स्विचेस होते हैं जिसके अंदर मरकरी का एक आप बॉल यूज करते हो, तो वो सिंपली मरकरी उसमें इस वजह से यूज होता है कि वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और आपके पास मरकरी की शाइन भी होती है ऑफ कोर्स, अगर आप थर्मोमीटर जो होता है, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये मरकरी का एक सेंसर होता है, मरकरी स्विचेस होते हैं इनके अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है, मरकरी। सेकेंडली आपके पास थर्मोमीटर्स के अंदर मरकरी यूज़ होता है। थर्मोमीटर्स जो होते हैं, अब आपको पता है कभी थर्मोमीटर टूट जाता है तो वो छोटे छोटे गोल गोल से जो पार्टिकल्स हो जाते हैं उन सारों का वो काफ़ी कितने शाइन कर रहे होते हैं। ये तो मैंने रेड से बना दिया, मुझे ये सिल्वर से बनाने चाहिए थे, ये देखा, तो वो शाइन कर रहे होते हैं। तो ये दोनों तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना। सो मरकरी इज अ मेटल। जब मैंने आपको बता दिया मेटल्स क्या होते हैं, अब जो चीज़ें मेटल्स नहीं होती वो बेसिकली नॉन मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स टोटली इन तीन प्रॉपर्टीज को अपोज करते हैं, वो कंडक्टर्स नहीं होते, वो शाइन नहीं करते। अमूमन जितनी भी आपके पास नॉर्मली गैसेस होती हैं ना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कह दिया, नाइट्रोजन कह लिया, जितनी भी आपके पास गैसेस हैं ये सारी अमूमन आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आपके पास एक और होती है जिसको आप कहते हो मेटलॉइड्स।
मेटलॉइड्स आप उनको यूं डिफाइन करते हो कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी नॉन मेटल्स की होती हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल आपके पास क्या है? सिलिकॉन। सिलिकॉन आपके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। अब क्यों? बिकॉज सिलिकॉन जो है वो बेसिकली इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिलिकॉन जो अपनी प्योर फॉर्म के अंदर होता है, आपको पता होगा, आपने फिजिक्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी कि हम पीएन जंक्शंस के अंदर सिलिकॉन को यूज़ करते हैं बट अपनी प्योर फॉर्म के अंदर नहीं करते। हम सिलिकॉन को पहले डोप करते हैं, इसको हम ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज देते हैं ताकि ये इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो और फिर हम इसको यूज़ करते हैं पीएन जंक्शंस के अंदर, ठीक है? सो सिलिकॉन इज एन एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड। अब हम आगे चलते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो आपको नाइन सामने नज़र आ रही है, ये वाले एलिमेंट्स हैं जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपके पास मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है? ये जो आपको बाकी इससे बॉटम पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये वाला जितना भी पार्ट है, ये आपके पास तमाम के तमाम मेटल्स हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ये आपके पास मेटल नहीं है, हाइड्रोजन जो है इट्स अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। और हाइड्रोजन को हमने फिर क्यों इस 1A कैटेगरी में डाला हुआ है, इसके ऊपर पूरा आपका एक आगे लेक्चर होगा जिसमें पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोजन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोजन को हमने क्यों 1A ग्रुप के अंदर डाला हुआ है जहां पे बाकी सब के सब मेटल्स हैं। आपके पास इस वाले पार्ट में ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं इस पिंक वाली लाइन से ऊपर वाले, ये आपके पास तमाम के तमाम नॉन मेटल्स हैं। सॉरी, ये जो आपके पास लास्ट जीरो ग्रुप वाली लाइन है इसको हम नॉन मेटल्स के अंदर काउंट नहीं करते, ये तो आपके पास सिंपली इनर्ट या इनर्ट गैसेस कह लें आप इनको, या नोबल गैसेस कह लें। तो इससे पीछे वाला जो आपके पास पार्ट है ना, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपको इस टेबल के अंदर से डिटेल पे नज़र आ रहा होगा, नॉन मेटल्स येलो कलर में आपको शो हो रहे हैं, ठीक है? तो ये आपके पास नॉन मेटल्स हैं, ठीक है? ऑल्दो ये जो आपके पास क्लोरीन ब्रोमीन ये जो हैलोजन शो हो रहे हैं ये भी बेसिकली नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है? सो मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ। मेटल्स जो होते हैं ना, अगर आप दो मेटल्स का एक मिक्सचर बना दो, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, तो वो बेसिकली एक अलॉय कहलाता है। और ये आप अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि अलॉयज़ क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। मैं आपको कुछ अलॉयज़ के एग्जाम्पल्स बताता हूँ और उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको बताता हूँ। आपने सुना हुआ होगा ब्रास के बारे में कि ये एक अलॉय है। ब्रास बेसिकली इट्स एन अलॉय ऑफ कॉपर, Cu एंड जिंक। सो कॉपर और जिंक के हम इस अलॉय को ब्रास कहते हैं, और उर्दू के अंदर ब्रास के लिए वर्ड यूज होता है पीतल। अब पीतल आप कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? आप के पास अगर कोई 2 रुपए का सिक्का हो ना, तो 2 रुपए का सिक्का जो होता है वो बेसिकली ब्रास से बना हुआ होता है। सिमिलरली आपके पास एक और ब्रॉन्ज भी आपके पास एक अलॉय है। ये किस चीज़ का अलॉय है? ये आपके पास अलॉय है कॉपर और टिन का। टिन का और कॉपर का जो अलॉय है इसको आप ब्रॉन्ज कहते हो, ब्रॉन्ज। सो ये जो एस एन मैंने मेंशन किया है ये फॉर द रीज़न कि टिन का लैटिन नेम जो होता है वो स्टेनम होता है, ठीक है? जो ब्रॉन्ज होता है इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं कांसी। और ये आपने अक्सर सुना होगा कि कांसी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, कांसी। ये जो ब्रास और ब्रॉन्ज हैं ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ये बहुत ही पुराने मेटल्स हैं। ये आप अगर मुगल पीरियड की बात करते हो या उनसे भी पुरानी अगर आप बात करते हो, तकरीबन 1.5-2 हज़ार साल पुरानी अगर आप पीछे चले जाओ ना, तो उस वक्त भी ये मेटल्स बनाए जाते थे और ये इनके अलॉयज भी बनाए जाते थे। ब्रॉन्ज जो होता है ये जो 1 रुपए का सिक्का होता है ना, रुपी 1 कॉइन जो आपको मिलेगा कॉइन, ये बेसिकली ब्रॉन्ज का एक अलॉय है। ये ब्रॉन्ज के अंदर एल्यूमिनियम को मिक्सचर करके बनता है। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं मेटल्स के बारे में।
इसके साथ ही इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या चीज़ है, पीरियोडिक ट्रेंड्स को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है।